तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज। दोस्तों पहले अपडेट इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल फर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इन शॉर्ट IOC की तरफ से आ रही है, जहां पर IOC इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को मथुरा रिफाइनरी में सेटअप करेगी। IOC का फ्यूचर प्लान है कि ऑयल प्रोडक्शन का एक्सपेंशन करने के साथ साथ क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन भी किया जाए। इसके साथ ही IOC का 250 मेगावाट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोलर पावर के थ्रू भी किया जाता है। IOC 25 मिलियन टन रिफाइनिंग कैपेसिटी को 2023-2024 तक और ऐड करेगा, जिससे IOC एंड CPCL का कंबाइंड 105 मिलियन टन हो जाएगा। IOC के ऑफिशियल्स के अनुसार 286 चार्जिंग पॉइंट्स को ऑलरेडी कमीशन किए जा चुके हैं कुछ सिटीज में, जिसको बढ़ाकर 3000 EV चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने का प्लान रखा गया है आने वाले कुछ ही सालों में। दोस्तों अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर आने वाले 5 ईयर्स में 9000 मेगावाट का एडिशनल जनरेशन कैपेसिटी हो जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश का बढ़ता हुआ डिमांड को मीट किया जा सके। 2022 तक 34,500 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी कर दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगली अपडेट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह जी के तरफ से आ रही है, जहां पर गवर्नमेंट 4000 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज प्लांट को सेटअप करने के लिए टेंडर फ्लोट करने वाली है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत PLI स्कीम के जरिए इस न्यू बैटरी स्टोरेज प्लांट को सेटअप किए जाएंगे। इससे फ्यूचर EV व्हीकल को इंडिया में ही फुली मैन्युफैक्चर होने में मदद मिलेगा। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह जी का ये भी कहना है कि इससे इंडिया में बहुत जॉब्स भी जनरेट हो पाएगा। दोस्तों अगली अपडेट सोनालिका ग्रुप की तरफ से आ रही है, जहां पर सोनालिका ग्रुप 200 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने का प्लानिंग में है। हिमाचल प्रदेश के MB में न्यू हाईटेक फैसिलिटी को सेटअप करेगी, जिससे एडवांस क्वालिटी का कंबाइंड हार्वेस्टर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सोनालिका ग्रुप न्यू प्लांट को 29 एकर्स में सेटअप करेगी। दोस्तों अगली अपडेट तेलंगाना से आ रही है, जहां पर स्टेट कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। इस फूड पार्क को 10,000 एकर्स के एरिया में सेटअप किया जाएगा, जिसे 2024-2025 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार फर्स्ट फेज में टोटल 10 फूड प्रोसेसिंग जोन को सेटअप किए जाएंगे, जो 500 से 1,000 एकर्स के एरिया में फैला होगा। स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार टोटल 25,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे टोटल 75,000 पीपल्स के लिए डायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होगी एंड ऑलमोस्ट 3 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होगा। तो दोस्तों ये जॉब्स जनरेट करने के लिहाज से मेगा प्रोजेक्ट्स भी है एंड फार्मर्स की आमदनी भी इससे बढ़ेगी। दोस्तों अगली अपडेट फेडेक्स एक्सप्रेस की तरफ से आ रही है, जहां पर फेडेक्स एक्सप्रेस जो फेडेक्स कॉरपोरेशन का ही सब्सिडरी कंपनी है, टोटल $100 मिलियन डिलीवरी में इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। डिलीवरी इंडियाज लीडिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सर्विसेज कंपनी है। फेडेक्स एक्सप्रेस के अनुसार इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, जिसका लॉजिस्टिक सेक्टर में ट्रेमेंडस ग्रोथ है। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुंचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, या मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।